हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको स्टॉक एनालिसिस करना सिखाऊंगा। क्या आपको सोर्सेज यूज़ करने चाहिए, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्टॉक को खरीदते टाइम किस प्राइस पे खरीदना है, ये सारी बातें मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, पांच इजी टू अंडरस्टैंड स्टेप्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले और पांच सिंपल चीज़ें समझाने से पहले एक छोटी सी साइड कॉन्वर्जेशन कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि आप वीडियो पॉज करके इसको लाइक कर दीजिए। दूसरी चीज़ ये कि आप जब भी स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे होते हैं तो आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप ट्रेडिंग के लिए उतर रहे हैं या इन्वेस्टिंग के लिए उतर रहे हैं। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब होता है शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना। तो आप इस तरीके की कभी ग्रीन रेड कैंडल्स वगैरह देखते होंगे और आपको लगता होगा कि यार ये क्या चार्ट खोल के बैठे हैं लोग, वो बेसिकली टेक्निकल ट्रेडर्स होते हैं। वो चार्ट के मूवमेंट को देखते हुए शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स खरीदते और बेचते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग, कि आप स्टॉक को होल्ड नहीं करना चाहते बहुत टाइम तक, बस आपका टेक्निकल टारगेट जब भी मीट कर जाए, ये हरी रेड कैंडल जो आप देख रहे हो, ये MACD RSI वगैरह लगा के जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स और पैटर्न बन रहे हैं उस हिसाब से आप शेयर को खरीद और बेच रहे हो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस। अब बात करते हैं दूसरी प्रवृत्ति के लोगों की। तो दूसरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स का मतलब होता है निवेशक। निवेशक कौन होते हैं? जो एटलीस्ट 2 से 3 साल का टाइम होराइजन लेके स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने आज 1000 रुपये किसी भी स्टॉक में डाले तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 साल तक शांत बैठना है। अगर उससे पहले आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए स्टॉक को बेचने की तो आप बेच के खुश होकर निकल लो, कोई बात नहीं। लेकिन आप इस चीज़ में घबराते मत रहो कि यार मैंने 1000 रुपये पे स्टॉक खरीदा था, आज वो 700-800 का हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप निवेशक हो और जब भी इन्वेस्टर अपने आप को अगर आप बोलते हो तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 साल का टाइम होराइजन रख के इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज का वीडियो इन्वेस्टर्स की तरफ डायरेक्टेड है, ना कि ट्रेडर्स की तरफ। तो 5 सिंपल पॉइंट्स। पहली चीज तो ये कि किसी भी स्टॉक को खरीदते या बेचते समय आपको उस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूरी है। अब फंडामेंटल एनालिसिस एग्जैक्टली होता क्या है? तो फंडामेंटल एनालिसिस 2 लेवल्स पे काम करता है। पहले लेवल को हम बोलते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री का एग्जांपल लें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में कौन कौन से प्लेयर्स हैं, जैसे कि रिलायंस जियो हो गया, एयरटेल हो गया, टाटा कम्युनिकेशन हो गया, तो ये सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री का पार्ट है। तो मान लीजिए आपका दिल बहुत करता है कि यार मुझे तो भारतीय एयरटेल का स्टॉक खरीदना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास तो एयरटेल का फोन भी है, मैं तो घंटे घंटे बात करता हूँ लोगों से एयरटेल के फोन पे, तो मुझे तो भारतीय एयरटेल ही खरीदना है, मुझे लगता है ये स्टॉक रॉकेट बनने वाला है। तो आपको अब बातों का क्या ध्यान रखना है? पहली चीज तो ये कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी उस स्टॉक की। अब फंडामेंटल एनालिसिस के 2 पार्ट होते हैं, पहला तो कि इंडस्ट्री एनालिसिस और दूसरा बिजनेस एनालिसिस। अब ये एनालिसिस करना काफी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन मैं आपको 4 या 5 बेसिक पॉइंट्स बताता हूं इस एनालिसिस के बारे में, जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी, आप आगे चल के थोड़ी सी और एडवांस टेक्निक सीख सकते हो। तो जब आप इंडस्ट्री के बारे में बात करते हो तो पहला सवाल जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए वो ये है कि ये क्या एक ग्रोथ इंडस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल, आपने टेलीकॉम का एग्जाम्पल उठाया, आपने तो बोला मुझे तो भारतीय एयरटेल ही खरीदना है, तो आप देख लो कि भारतीय एयरटेल किस में है। भारतीय एयरटेल है टेलीकॉम इंडस्ट्री में। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री क्या भारत में ग्रो करेगी? पहला सवाल, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। तो आपको लगता है कि आगे चल के टेलीकॉम इंडस्ट्री का भविष्य बहुत ब्राइट होने वाला है, इसके लिए आपको जाके न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ा सा गूगलिंग करनी पड़ेगी कि टेलीकॉम इंडस्ट्री ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स इन इंडिया, तो उससे आपको काफ़ी सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। तो मान लीजिए आपको कुछ रिपोर्ट्स मिली, आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ी कि रिलायंस अब तक 2018-19 तक एक ऑयल कंपनी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद उसने अपने जियो के बिजनेस पे और रिलायंस रिटेल के बिजनेस पे बहुत ज्यादा फोकस करने लगा। तो इतनी बड़ी कंपनी है रिलायंस, जो इंडिया की टॉप 5 कंपनियों में आती है मार्केट कैप के हिसाब से, अगर वो कंपनी भी स्विच कर रही है एक टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ, क्योंकि रिलायंस जियो क्या है? रिलायंस जियो एक टेलीकॉम कंपनी है, सो टू से, और एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। सिमिलरली वो अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर रही है रिलायंस रिटेल की तरफ, तो वो क्या कर रही है? वो इन ग्रोथ इंडस्ट्रीज में जा रही है। सिमिलरली आप फिगर आउट कर सकते हो कि किस रेट से ये टेलीकॉम इंडस्ट्री आगे चल के ग्रो करने वाली है। तो ये सब बातों को ध्यान रखते हुए आपको एक अप्रोक्सीमेशन बिठाना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है या नहीं करने वाली है। मैं आपको यहाँ पे वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी नहीं करेगी, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि पहला स्टेप आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि ये ग्रोथ इंडस्ट्री है भी कि नहीं। अगर आपको लगता है कि ग्रोथ इंडस्ट्री है, फिर आप सेकंड स्टेप पे आओ, आप इस इंडस्ट्री के बारे में प्रो एंड कॉन एनालिसिस करो।
प्रो एंड कॉन एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि इसकी अच्छी बातें और बुरी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो बुरी बातों से स्टार्ट करते हैं पहले कि अगर आप किसी भी टेलीकॉम के स्टॉक को उठा के देखो तो आपको पहली चीज़ क्या पता चलेगी, आपको ये पता चलेगा कि ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या कि इसमें बहुत पैसा लगता है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाना पड़ता है, आपको खंभे और टावर्स गाड़ने पड़ते हैं, आपको लाइंस बिछानी पड़ती है, आपको दुनिया भर के ऑफिस, कस्टमर केयर और पता नहीं क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है। तो ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। आप थोड़ी सी एक या दो एनुअल रिपोर्ट्स भी पढ़ोगे तो आपको ये बात बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव इतनी ज्यादा है ये इंडस्ट्री, तो कंपनियों के पास डेट बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि मैं आपको भारतीय एयरटेल के एग्जांपल से ही समझाता हूँ, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, एंड ये एक फ्री वेबसाइट है स्क्रीनर करके, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि डेट टू इक्विटी रिलायंस का है 2.55। अब डेट टू इक्विटी 2.55 का मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर एक रुपए की इक्विटी है कंपनी में तो उसके पास 2.55 रुपए की डेट है, तो डेट 100% से भी ज़्यादा है, 255% के आसपास उसकी डेट है। तो बहुत हाई डेट बिजनेस है। अब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, अगर किसी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोन लिया जाता है बिजनेस को डेवलप करने के लिए तो ये एक डबल एजेड स्वॉर्ड होती है। डबल एजेड स्वॉर्ड का मतलब कि यार आपने लोन लेके बिजनेस अच्छा चल गया तो ठीक बात है, लेकिन अगर आपका बिजनेस ठप हो गया तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। सिमिलरली अगर इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको बहुत समस्या आ सकती है। सिमिलरली अगर कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो गया कि मान लीजिए आजकल तो लोग स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं लेकिन आगे चल के हो सकता है वेरेबल डिवाइसेस के थ्रू ही सारे फोन कॉल्स होने लग जाओ, या फिर कोई डिवाइस की जरूरत ही ना पड़े फोन कॉल करने में, तो इस तरीके के बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में जो हाई डेट कंपनीज जो होती हैं उनके पास लोन ही इतना सारा होता है कि अगर उनका बिजनेस एक या दो सालों तक अच्छा नहीं चले तो उनके लिए बहुत समस्या पैदा हो जाती है। तो हाई डेट कंपनी होना एक बहुत प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो है। तो मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताया कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि किसी भी बिजनेस में कॉन्स क्या हैं। सिमिलरली प्रो क्या हो सकते हैं किसी भी टेलीकॉम कंपनी में? एक तो कस्टमर स्विचिंग करना बहुत मुश्किल है। कस्टमर स्विचिंग का मतलब कि मान लीजिए आपके पास एयरटेल का फोन है, अब आपको अगर जियो के फोन में तब्दील कराना है अपना फोन नंबर तो उसके लिए भी मोस्टली लोग कराएंगे नहीं, क्योंकि एक बार आपने जिस भी सर्विस प्रोवाइडर के साथ सर्विसेज ले ली आप उसके साथ बने रहोगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी बातें भी हैं, बहुत बुरी बातें भी हैं। आपको एक लिस्ट बनानी है कि क्या अच्छी बातें हैं क्या बुरी बातें हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? ये इन्फॉर्मेशन आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ने से बहुत ईजिली मिल जाएगी। आप एक या दो एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ लोगे तो बहुत ईजिली आपको ये बातें समझ आ जाएगी। तो ये तो हो गया पहला पार्ट की इंडस्ट्री एनालिसिस कैसे करनी है। अब इसका दूसरा भाग आता है कि आपको बिजनेस एनालिसिस कैसे करना है। बिजनेस एनालिसिस का मतलब ये है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि चलो यार टेलीकॉम में थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, कि डेट बहुत ज़्यादा है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है वगैरह वगैरह, लेकिन आपका मन है कि मैं तो करूंगा इसमें इन्वेस्ट, तो आप उसमें जाके मार्केट लीडर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में मार्केट लीडर स्टॉक्स कौन कौन से हैं, जैसे कि जियो हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, टाटा कॉम हो गया। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इस पीएस टैब पे जाएं तो आपको भारतीय एयरटेल के कंपेरेटर्स मिल जाएंगे। अब आपको करना यह है बिजनेस एनालिसिस में कि आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि आपको भारतीय एयरटेल में पैसा लगाना है या रिलायंस जियो में पैसा लगाना है। इनफैक्ट आप रिलायंस जियो में अकेला पैसा नहीं लगा सकते, उसने अपने रिलायंस जियो के बिजनेस को डीमर्ज नहीं कराया तो इसलिए आपको वो नाम भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। बट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ओके भारतीय एयरटेल में मेरा मन है पैसा लगाने का और इसके इतने दुनिया भर के कंपेरेटर्स हैं तो मैं किसमें जाके पैसा लगाऊं। तो दो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला अपन कंपेयर कर लेते हैं भारतीय एयरटेल के फंडामेंटल्स को। तो पहली चीज, डेट किस पे ज्यादा है? तो भारतीय एयरटेल पे 2.55 की डेट है टू इक्विटी। यहाँ पे आप टाटा कॉम पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी 9.83 की डेट है, तो ये बहुत ही हाई डेट कंपनी हो गई। तो अच्छा देखते हैं कि इसके रेवेन्यूज और प्रॉफिट किस रेट पे बढ़े हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, लास्ट 4-5 साल का देखना आप, तो 2016 से अपन देखते हैं कि 18,000 पे था, फिर बढ़ते 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 इसका इनफैक्ट रेवेन्यूज कम ही हो गया है, बढ़ा नहीं है। बट वॉट अबाउट भारतीय एयरटेल? तो भारतीय एयरटेल का देखते हैं कि 2016 पे 96 था, तो एटलीस्ट बढ़ के अब थोड़ा तो बढ़ा है, तो एटलीस्ट इसमें रेवेन्यू ओरिएंटेड परेशानी तो नहीं लग रही। तो इस तरीके के बिजनेस एस्पेक्ट्स आपको समझने पड़ेंगे। अब आपको इसके एडिशनल और कुछ इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आपको कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालिसिस करी। इसके अलावा आपको और क्या देखना है? आपको बैलेंस शीट थोड़ी सी पढ़नी आनी चाहिए। कुछ कुछ रेशियोज होते हैं, आप उसको गूगल करके देखो। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत वो समझ में आना चाहिए। रेशियोज क्या इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, आपको वो समझ में आना चाहिए। तो इसमें मेहनत लगेगी, डेफिनेटली लगेगी, और इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत टफ होता है। तो मैं टाइम टू टाइम काफ़ी
सारे फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड वीडियोस भी बना दूंगा, आप वो भी देख के और चीज़ें सीख सकते हो। लेकिन आज मैं आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू देना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता तो एटलीस्ट आप बेसिक ये देख लो कि रेवेन्यू बढ़ रहा है और प्रॉफिट बढ़ रहा है किसी कंपनी में कि नहीं, और किस तेज़ी से वो बढ़ रहा है। अगर कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यूज जनरली बढ़ रहे होते हैं तो वो जनरली स्पीकिंग एक अच्छा स्टॉक होता है। अब फाइनल पॉइंट, आपको फंडामेंटल एनालिसिस में ये ध्यान रखना है कि किसी भी कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं, आगे चल के वो ग्रोथ कैसे दिखाएगी कंपनी, क्या उसके पास स्पेसिफिक ग्रोथ प्लान्स हैं, क्या वो नई फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, क्या वो नए देशों में जा रहा है, क्या वो नई सिटीज़ में जा रहा है अपना बिजनेस बनाने के लिए, क्या वो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है। इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन और एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से पता चलेगी, तो आप उसके लिए एनुअल रिपोर्ट पढ़ो और थोड़ी बहुत गूगलिंग करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी के ग्रोथ प्लान्स क्या हैं। ऑल्सो एक और बात, ये चीज़ आप थोड़ी बहुत फिक्स्ड एसेट कॉलम देख के बैलेंस शीट पे पता कर सकते हो। ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक पार्शियल इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिलेगी। जैसे कि अगर आप भारती एयरटेल के फिक्स्ड एसेट देखो तो ये ओवर टाइम बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप भारती एयरटेल जाके खरीद लो, मैं इनफैक्ट कोई रिकमेंडेशन दे ही नहीं रहा हूँ। मैं इनफैक्ट भारती एयरटेल ओन नहीं करता, एक पॉइंट पे मैं करता था, मैंने उसको प्रॉफिट में बेच दिया और मैं अब अलग हूँ, मैं इसको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि भारती एयरटेल के फिक्स्ड एसेट ओवर टाइम बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ क्या इंडिकेट करती है, ये चीज़ इंडिकेट करती है कि कंपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की तरफ है, तभी वो ज़्यादा फिक्स्ड एसेट कलेक्ट करती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल उसने ज़्यादा टावर्स लगा लिए होंगे या वो ज़्यादा सिटीज़ में एक्सपैंड कर गई होगी वगैरह वगैरह, तो अब उसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उम्मीद ये है कि यही इंफ्रास्ट्रक्चर आगे चल के भारतीय एयरटेल के लिए ज़्यादा पैसा लेके आएगा। तो पहला पॉइंट फंडामेंटल एनालिसिस लेके थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये करना कॉम्प्लेक्स होता है, मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझाया है। अब दूसरा पॉइंट आता है टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस मतलब बैलेंस शीट वगैरह का एनालिसिस, नंबर्स का एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, ये थोड़ी सी लंबी कहानी है, इसके लिए थोड़ी बहुत आपको स्टडी करनी पड़ती है। अब दूसरा पॉइंट आता है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस का फायदा क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस का फायदा ये होता है कि आप ओवर वैल्यूड स्टॉक्स और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को थोड़ा बहुत पता कर सकते हो। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें अच्छा स्टॉक तो पता चल जाता है लेकिन हम उसे गलत प्राइस पे खरीद लेते हैं। गलत प्राइस पे खरीदने का मतलब कि हम तब खरीद लेते हैं जब वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा होता है, एंड उसकी वजह से जब वो गिरना शुरू होता है तो बड़ा बुरा लगता है। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो मैं आपको पहली टेक्निक बताता हूँ जिसको बोलते हैं 200 डे मूविंग एवरेज टेक्निक। तो 200 डे मूविंग एवरेज आप कैसे पता कर सकते हो, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, आप अगर स्क्रीनर पे जाओ इस पे दबाओ तो आपको एक ब्लैक लाइन बनी आ जाएगी। यहाँ पे मैं एग्जांपल पिक कर रहा हूँ रिलैक्सो फुटवेयर का। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि ये 200 डे मूविंग एवरेज एग्जैक्टली होता क्या है। 200 डे मूविंग एवरेज का सिंपल मतलब ये है कि स्टॉक की एवरेज प्राइस पिछले 200 दिनों में कितनी रही है। 200 दिन क्यों लेते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है मार्केट में, तो करीब करीब 200 डे का मूविंग एवरेज आप लो तो 200 ये वर्किंग डेज हो जाते हैं, तो करीब करीब एक साल का एवरेज स्टॉक प्राइस आपके सामने आ जाता है। अब अगर आप इस चार्ट पे जाओ और आप देखोगे कि अभी हाल फिलहाल इस स्टॉक का एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज कितना होना चाहिए, 996, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से इसका प्राइस कितना निकल के आता है, इसका प्राइस निकल के आता है करीब करीब 1088। क्या ये ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है, एटलीस्ट आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता चल गई। इसके अलावा आप बहुत सारी एडवांस टेक्निक लगा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप पी एनालिसिस कर सकते हो, इसके अलावा एडवांस चार्ट पैटर्न होते हैं, तो ये सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स बिठा के आपको पता चलता है कि यार ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अगर अंडर वैल्यूड है तो आप उसको खरीद लो। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ 200 डे मूविंग एवरेज थ्योरी के हिसाब से रिलैक्सो अभी अंडर वैल्यूड है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसको जाके खरीद लो, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक टेक्निकल इंडिकेटर बता रहा हूं जो है 200 डे मूविंग एवरेज का। अगर आपको और टेक्निकल इंडिकेटर सीखने हैं तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक टेक्निकल इंडिकेटर समझ आ गया होगा। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं रिलैक्सो का ही। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो कि करीब करीब 12 नवंबर को, तो नवंबर के बाद मार्केट गिरनी शुरू हुई थी, तो 12 नवंबर को रिलैक्सो का स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा था। तो 12 नवंबर को 200 डे मूविंग एवरेज इसका 1095 था, लेकिन स्टॉक जो था वो करीब करीब 1400 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। क्या आपको वो स्टॉक उस टाइम पे खरीदना चाहिए था, एटलीस्ट 200 डे मूविंग एवरेज थ्योरी के हिसाब से नहीं खरीदना चाहिए था। तो किसी भी स्टॉक को आप उठा के देखो, कभी कभी वो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी चला जाएगा और उसके ऊपर भी रहेगा, तो आइडियली आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप उसको इन एंड अराउंड 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास खरीदो या नीचे खरीदो। चलिए अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे जो आपको समझ में बहुत अच्छे से आना चाहिए, वो ये
कि फंडामेंटल और टेक्निकल कई बार काम नहीं करते। क्यों नहीं करते उसका भी मैं आपको लॉजिकल रीजन बताता हूं। क्योंकि किसी भी स्टॉक प्राइस का एग्जैक्ट मूवमेंट किसी को भी नहीं पता होता, चाहे वो वॉरेन बफेट जी हो, चाहे वो पीटर लिंच जी हो, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला जी हो, किसी को नहीं पता कि एक पर्टिकुलर स्टॉक कल ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। इसका पता करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। कई बार आपने पढ़ा होगा कि ITC के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ गए, लेकिन होता क्या है कि आप उम्मीद करके ये जाते हो मार्केट में कि यार ITC के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, आज तो स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, लेकिन होता क्या है कि ITC का स्टॉक गिर जाता है। सिमिलरली आपने देखा होगा कि जब येस बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी और वो एकदम फुद्दू बैंक हो चुका था, तो उस टाइम पे भी वो स्टॉक कभी कभी जंप कर जाता था। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी स्टॉक की प्राइस उसके फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स पे डिपेंड नहीं करती, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में। वो डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई पे। तो डिमांड और सप्लाई क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। तो उसका सीधा सीधा तात्पर्य ये निकल के आता है कि किसी भी स्टॉक की अगर डिमांड बढ़ जाए तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर किसी भी स्टॉक की सप्लाई बढ़ जाए तो उसकी प्राइस गिर जाएगी। तो मैं आपको ये ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। तो इकोनॉमिक्स में ये सप्लाई कर्व होता है, ये डिमांड कर्व होता है, इसको अपन S से बोलते हैं, उसको अपन D बोलते हैं। अब होता क्या है कि जहां पे भी ये दो पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं वो अपन को बताते हैं किसी भी स्टॉक का प्राइस। तो मान लीजिए अपन ITC के एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हैं और कल को कोई न्यूज आ जाती है कि यार ITC में कुछ घपले हो गए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो क्या होगा? बहुत सारे लोग बेच देंगे उस स्टॉक को। तो सप्लाई कर्व कहां मूव कर जाएगा? ये यहां पे मूव कर जाएगा। और इसकी डिमांड क्या होगी? इसकी डिमांड नीचे चली जाएगी। तो डिमांड कहाँ आ जाएगी? डिमांड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगी। तो नया इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बन गया? ये बन गया। तो इसकी प्राइस क्या हुई? इसकी प्राइस गिर गई। बेसिकली किसी भी स्टॉक की प्राइस डिपेंड करती है उसकी सप्लाई और डिमांड पे। हम लोग क्या इमेजिन करते हैं कि यार हम फंडामेंटली साउंड स्टॉक खरीद लेंगे, अगर हमने आज खरीदा तो वो कल से ऐसे बढ़ेगा, अगर हमने उसको आज बेच दिया तो वो कल से ऐसे गिरेगा। लेकिन होता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स कंप्लीटली मिसमैच हो सकते हैं प्राइस के साथ, क्योंकि प्राइस डिपेंड करती है इस सप्लाई और इस डिमांड पे। एंड किसी को भी ये नहीं पता कि कल को अगर बैड न्यूज आती है कुछ ITC से रिलेटेड तो किस हद तक उसकी डिमांड में चेंज आएगा और सप्लाई में चेंज आएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि कृपया करके अगर आपने फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू किसी स्टॉक को खरीदा है तो उसको न्यूज के हिसाब से ना बेचें, क्योंकि न्यूज एक ऐसा जरिया है आपके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स बुरी तरह हिला देती है, आप अपना ट्रस्ट लूज कर देते हो जो आपने खुद की एनालिसिस करी है उस पर। अब चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। सो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस होता क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का मतलब होता है कि जैसे सरकार ने कोई नई पॉलिसी ले आए, या फिर फेड्स या फिर RBI ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, या फिर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया मैक्रो इकोनॉमिक रिलेटेड चीजें। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, तो सबसे पहले आपको एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ें जिससे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जैसे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, सरकार बॉन्ड्स के थ्रू मनी कैसे मैनेज करती है। दूसरी चीज जो आपको फॉलो करनी है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में, वो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कृपया करके सिर्फ जो मेजर इंपैक्ट होते हैं चीजों का उस पर ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल कई बार लोग इस चीज में अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि यार सरकार है ना कोई नई स्टील पॉलिसी लेके आने वाली है। अब आपको पता चलेगा कि सरकार कब स्टील पॉलिसी लाने वाली है? आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, सरकार पीछे से ले आएगी, आपके स्टॉक जो हैं वो गिर जाएंगे या उड़ जाएंगे और आपको कुछ नहीं पता चलेगी वो इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके की मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एकदम बेकार है। सिमिलरली अब यार वेस्ट बंगाल में कौन इलेक्शन जीत रहा है, बिहार में कौन इलेक्शन जीत रहा है, इसमें आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। आपको दिमाग किन चीज़ों पर लगाना है? सबसे पहले कि इन्फ्लेशन कैसे काम करता है, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन एनवायरमेंट के बाद कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली अगर मॉडरेट इन्फ्लेशन या लो इन्फ्लेशन चल रहा है तो इसमें कुछ स्टॉक्स या कुछ तरीके के स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करते हैं, आपको वो समझ में आना चाहिए। आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में कहानी पता होनी चाहिए, तो ये मोटी मोटी जो कहानी है आपको वो पता होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि मैं इंग्लिश चैनल भी चलाता हूं एंड पिछले 6-7 महीने से मैं उसमें HUL के बारे में बहुत सारी कमेंट्री कर रहा था कि HUL बहुत अच्छा स्टॉक है। लोगों ने आगे बहुत बोला मेरे से कि यार HUL तो बिल्कुल बर्बाद होने वाला है क्योंकि इनपुट प्राइस इतनी बढ़ चुकी है रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में, और HUL के प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं कि गांव में तो बिकेंगे ही नहीं, तो एकदम बर्बाद कंपनी है वो। लेकिन हुआ क्या कि पिछले 3-4 महीने में HUL ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और ऐसा क्यों हुआ? क्या मैं कोई अंतर्यामी था जो मुझे बातें बताऊंगी? नहीं। आपको करना क्या है, आपको हिस्ट्री में जाके देखना है कि HUL ने हाई इन्फ्लेशन एनवायरमेंट में कैसे परफॉर्म किया था। अगर आप सिर्फ उतना पता कर लेते तो आप एक अच्छा अपस्विंग ले लेते मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत और आपका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन जाता।
अब HUL का शेयर क्यों बढ़ा, उसका बहुत सिंपल सा एनालिसिस ये है कि HUL एक ब्रांडेड कंपनी है, उसके पास ये पावर होती है कि वो अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाती चले। उसने एग्जैक्टली यही किया कि उसने अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस करीब करीब 20% से बढ़ाता गया, एंड ये रेवेन्यूज और प्रॉफिट में अभी तो रिफ्लेक्ट होगा ही और आगे चल के भी रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट की प्राइस एक बार बढ़ा देती है तो वो ऑलमोस्ट हमेशा के लिए बढ़ा देती है, वो हार्डली कभी रोल बैक करेगी। और HUL जैसी कंपनी ये काम बहुत फ्रीक्वेंटली करती है। अब आप बोलोगे कि अक्षत यार ये तो फिर जो कमज़ोर कंपनियां होती हैं जिनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी तो आ सकती हैं मार्केट में, वो HUL का मार्केट शेयर ले सकती हैं, बिल्कुल ले सकती हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत हुआ क्या था 2020 और 21 में, हुआ ये था कि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई थी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से, एंड सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ था। सप्लाई चेन डिसरप्शन का मतलब कि मान लीजिए आपको शैम्पू बनाना है, अब शैम्पू बनाने के लिए आपको केमिकल्स चाहिए, उसके लिए कुछ रॉ इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो चाइना से आएंगे, जापान से आएंगे, दुनिया भर की कंट्री से आएंगे, वो आ नहीं पा रहे थे, और अगर आ भी रहे थे तो वो महंगे दामों पर आ रहे थे, तो इसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन डिसरप्शन। अब आप मेरे को खुद बताइए ये चीज़ कि HUL जैसी कंपनी इस तरीके की सिचुएशन से ज्यादा बेटर डील करेगी कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा अच्छे से डील करेंगे? ऑफ कोर्स HUL जैसी कंपनी ज्यादा इजीली इस तरीके की सिचुएशन से डील कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी बैलेंस शीट ऑलरेडी स्ट्रांग है, उसके पास ऑलरेडी कैश है, वो महंगा सामान भी खरीद सकती है। लेकिन एक अगर लोकल गांव वाला जो शैम्पू या सोप मैन्युफैक्चर करता है, अगर उसकी रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गई तो वो तो बिजनेस से भारी हो जाएगा, और एक बार चला गया बिजनेस छोड़ के तो बहुत ही अनलाइकली है वो सिचुएशन कि वो वापस बिजनेस में अपने एंटर करेगा साबुन बनाने वाले या शैम्पू बनाने वाले में। तो इस तरीके की बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करके आप आराम से कुछ अच्छे स्टॉक्स में निवेश कर सकते हो, स्पेशली जब पूरी दुनिया डर रही हो। तो फाइनल पॉइंट ये आता है कि अक्षत आज आपने कहानी तो पूरी बता दी, लेकिन ये सीक्वेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो बिल्कुल पहली चीज़ तो ये कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोई आसान विषय नहीं है, आपको इसके बारे में लग के सीखना पड़ेगा। अब आपको मैं कुछ बुक्स रिकमेंड करता हूँ जो आप जाके पढ़ सकते हो। तो पहली बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, जो पीटर लिंच द्वारा लिखी गई है, काफ़ी अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको इन्वेस्टोपीडिया करके एक वेबसाइट है, वो फ्री वेबसाइट है, आप उस पर जाके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट है। तीसरी चीज़ कि आप मैकेंजी क्वार्टरली और BCG Insights के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं जिससे आपको फंडामेंटल बिजनेस और इंडस्ट्री एनालिसिस करने में मदद हो जाएगी। इसके अलावा आपको थोड़ी मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर सीखनी है तो एक मैनकीव करके बुक आती है, MANKIW, तो वो बुक अगर आपको कहीं अवेलेबल हो जाए लाइब्रेरी वगैरह में तो आप आराम से जाके थोड़ी सी मैक्रो इकोनॉमिक्स उससे सीख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे वीडियोस देखते रहें, मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस, मैक्रोज, बाकी सारी चीज़ें भी समय समय पे समझाता रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा, एंड मैं आपसे अगले वीडियो पे मिलता हूँ।